एक्चुअली क्या, मैं बाइक से ज्यादा स्पेशलिस्ट हूँ, कार का नहीं हूँ। अब आपकी कार मेरे पास इवन है भी नहीं, तो डोंट वरी बैठिए बैठिए, हाँ बैठ जाइए। नहीं नहीं गिरोगे ना, लट्टू होगी आपकी, तो जहाँ कॉलोनी होगी ना वहाँ से जब निकलते होगे ना तो आपको 10 बंदे छोड़ने आते होंगे। मैं मुझे आप बड़ी पसंद आ गई, आई लाइक यू वेरी मच। मैं अब आप लो तो नहीं तो मुंह पे मार दो मेरे। So, what's up, भाई लोग, क्या है तुम लोगों के? आई होप तुम सब बढ़िया होगे और तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे, क्योंकि तुम लोगों ने इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट देखा है ना उसको देख के तो भाई सबके लड्डू फूटे हैं। मेरे को पता है तुम सब बहुत बड़े ठगी लोग हो, मेरे भी लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि आज तुम्हारे भाई को लड़की ने मिलने बुलाया है। चलो गाइस, वैसे सुना है कि अच्छे काम से पहले दही शक्कर खानी चाहिए, बट मम्मी ने मेरे को मठा दे दिया, मठा पी लिया मैंने, गर्मी बहुत जहर है। फटाफट चलते हैं, दीदी का मैं फोन आ गया। मैं दीदी क्यों बोल रहा हूँ भाई, मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली हो, दीदी नहीं बोलेंगे अपन, अब चलो लेट्स गो। हाँ तो गाइस, यूजुअली मैं इतनी गर्मी में कभी निकलता नहीं हूँ दोपहर में बाहर, बट गाइस आज मौका ही ऐसा है भाई, निकलना पड़ा, क्योंकि भाई आपको पता है ना, भाई बुलाती है मगर जाने का, बिल्कुल जाने का, भैया नहीं जाओगे ना तो फिर लंगा लग जाएगी, बैठे रहोगे कवारे जिंदगी भर, ना कोई पूछने वाला होगा ना कोई करने वाला होगा। भाई देखो पार्टनर सबको चाहिए लाइफ में। अब गाइस आप लोग मुझसे पूछोगे कि सुमित भाई तुम इतना कुछ कर रहे हो, निकिता का क्या होगा? तो गाइस देखो, निकिता के चल रहे हैं भाई साहब एग्जाम, तो उसके पास फ़ोन है ही नहीं ना, वो यूट्यूब से भी कट है और वो इंस्टाग्राम से भी कट है, वो आप देख लो उसको इंस्टा पे इनएक्टिव होगा, इसको महीना भर होगा, इसके एग्जाम खत्म होने वाले हैं, तो उसको अभी कुछ पता ही नहीं है कि भाई साहब क्या चल रहा है यूट्यूब पे, मैं क्या व्लॉग्स बना रहा हूँ। तो वो मुझसे फ़ोन पे बात करती है, कीपैड फ़ोन दे रखा मैंने उसको ताकि एग्ज़ाम में उसको दिक्कत ना हो, भाई पढ़ती रहे वो। तो गाइस उसको बिल्कुल नहीं पता होगा, इस अगर आज हो गया भाई कन्फर्म कि भाई अपने को हाँ वहाँ से मिल रही है, तो भाई कुछ ना कुछ अपन करेंगे मैनेज, है ना भाई? कोई दिक्कत नहीं, दो दो बंदियाँ रख लेंगे ना भाई, क्या ही दिक्कत है। चॉकलेट दिखाओ भैया, लड़की को देनी है, हाँ प्रपोज कर दिया, अब गिफ्ट देना है, तो अभी मैंने सोचा क्या ही दूँ से अच्छा, तो चॉकलेट से तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस बताओ, ये वाली, ये वाली, ये तो बहुत छोटी हो जाएगी, थोड़ा इंप्रेशन गिर जाएगा। ये कैंडी वाली मत दो, बबल गम पसंद आए ना आए, नॉर्मल दो, हाँ ये नॉर्मल वाली। तो गाइस ये ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को, दिखने में भी सही लगेगी। बात बन जाएगी अब इससे? नहीं बनेगी, क्यों भैया? इससे लड़की बन जाएगी ना बात, तो इससे पक्की बात है, प्रपोज कर चुका हूँ मैं, खाली ये देना है, अब देखते हैं भैया बन जाएगी तो पार्टी आपको, हाँ पक्की बात है। तो गाइस मेरी अब हार्ट बीट तेज होने लगी है, जैसे जैसे स्लो पास आ रहा हूँ ना भाई डेस्टिनेशन के, वैसे वैसे मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, पता नहीं क्या हुआ गाइस। मैं तो उस दिन भी बहुत डर रहा था भाई, वो तो मुझे पता है मैंने कैसे प्रपोज कर दिया, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेशन में था ना भाई, जिससे मिलना था वो मुझे मिली नहीं, तो बस वही बातचीत है। लेट्स सी गाइस क्या होता है भाई, जल्दी पहुँच जाएँ हम, फ़ोन लगाते गाइस आगे रुके कहीं छाँव में कि कहाँ पे लोकेशन में, तो पता है मेरे को पार्किंग कौन सी है उस पर कहाँ पे आना है। हाँ साक्षी कहाँ पे आना है? मैं तो डी मॉल की टू व्हीलर पार्किंग पे हूँ, सेकंड फ्लोर की पार्किंग में। नहीं नहीं वहाँ मुझे एंट्री नहीं दे रहे, तो मुझे पैदल आना पड़ेगा। ओके तो तुम सेकंड फ्लोर पे आओ। सेकंड फ्लोर पे आता हूँ मैं, ठीक है। हाँ आप वहीं हो ना? हाँ थोड़ा 10 मिनट वेट कर लोगे क्या? हाँ ठीक है कर लूंगा, पर ऐसा क्यों यार? मैं हेयर वॉश करा रही हूँ। क्यों? ठीक है आप करवा लो, मैं आपका वेट करता हूँ। ओके ओके हाँ हाँ ठीक है, जब तक मैं थोड़ा घूम लेता हूँ डी मॉल, ठीक है। हाँ तुम घूम लो 10 से 15 मिनट में। ओके 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 हाँ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ भाई के स्टोर में, भाई के लंच करने हैं, तो गाइस यहीं वेट करते हैं साक्षी का, पानी वानी पीते हैं,
और बाहर गैस स्टेशन अंदर वीडियो शूट कर रहा हूँ। और गाइस आप मेरा चलो कितना नर्वस हो रहा हूँ, इतना नर्वस मैं अपने एग्जाम में नहीं हुआ बट आज मेरा नर्वस हो रहा हूँ भाई, पता नहीं क्या होगा, हाँ या होगा या ना होगा। चॉकलेट भी लेके आया हूँ मैं, ये देखो भाई कितनी बड़ी चॉकलेट है, ये मैंने आज तक निकिता को नहीं दी बट मैं साक्षी को देने वाला हूँ। इन लोग को भी पता है आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ, बताओ हाँ कर देगी नहीं करेगी, पक्की बात है मनोज भाई? भाई डेरी मिल्क खिलाओ, हमें भी डेरी मिल्क है ना भाई ये? नहीं पहले हाँ हो जाएगी फिर तुझे भी दूंगा पक्का। हाँ ठीक है, तुझे लगता है हो जाएगी लाइन? अरे भाई किसी ने मना करा है क्या आज तक बताओ? भाई थोड़ा भाई को दुलासा दे रहे हैं, आप भी इधर आओ। अरे इधर आओ ना, एक लड़की से मेरा आज मिलने का है, तो प्रपोज मैंने कर दिया था बट आज उसका डिसीजन है, आया ना हमें जवाब देगी, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? आया ना पक्का? अच्छा देख रहा हूँ खुशबू आ रही है परफ्यूम की, है ना? तो भाई ठीक है, लड़की समझती फीलिंग्स को, तो मैडम ने बोल दिया तो हो जाएगा, अगर हो गई हाँ तो पार्टी पिज्जा अभी सबको करंट पे, ठीक है तुम्हारे पूरे स्टाफ को एक महीने के लिए पिज्जा फ्री, ठीक है बड़ा भाई हमारी तरफ से बिल में काट देना बस, ठीक है देखते बस हाँ होना चाहिए। आ चुका हूँ पार्किंग में और सेकंड फ्लोर की पार्किंग में, मुझे अमेज कार ढूंढनी है, लास्ट टाइम जिस कार से वो आई थी उसी कार में वो है, लेट्स सी गाइस सामने शायद मुझे दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई सामने देख लिया। हाँ गाइस ये क्रेटा के बगल में गाड़ी है, गाइस देखते हैं क्या होता है भाई, बहुत डर लग रहा है गाइस, दिल हार्ट बीट तेज हो रही है मेरी, मुझे एकदम चेहरा में नर्वस हो चुका है, लेट्स सी क्या होता है। सामने खड़ी हुई है वो, खड़ी है भाई, खड़ी है भाई, पता नहीं क्या होगा। कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया बहुत अच्छे लग रहे हो भाई आज। माहिया मेरे माही जानिया, उस दिन से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो भाई, ऐसे ब्यूटीफुल मत आया करो इधर, हम लोग खड़े नहीं हो पाते आपके सामने, तो दो मिनट गेट खोलोगे मैं हेलमेट रख दूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हो तो। अच्छा आपने बोला ना आपने मतलब कुछ बालों में करवाया है तभी बाल आपके इतने उड़ रहे हैं भाई साहब। भाई अब मैं क्या बोलूँ, तो कैसे आप बढ़िया सब? हाँ, कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको ब्लॉग्स में, मतलब वो इंस्टा वाला कुछ गाइस के लिए? थैंक यू सो मच, सो मच ऑफ लव। और कुछ कितना ही बोलना है? मतलब फॉलोवर्स आए, लोगों ने फॉलो किया? बहुत ज्यादा। किसी ने फालतू कमेंट तो नहीं किए? नहीं, दो तीन लोग तो किए होंगे, मैंने भी रीड किए थे, मुझे ही गाली बक रहे हैं लोग तो, कि भाई क्या है थोड़े बहुत ट्रॉल्स। हाँ ट्रॉल्स वगैरह, सही बात है आप यूज टू हो गए। बाकी काफी अच्छे लग रहे हो आप, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो एकदम, क्या क्या बोलते हैं, और गॉर्जियस बोलते हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो आपको कुछ बात करनी थी? हाँ। अंदर बैठ करते हैं ना, गर्मी रहेगा तो चलो। हाँ हाँ कहीं भी चलेगा ना, उसके बाद गाड़ी दिक्कत नहीं दे रहा ना आपको? क्या उसके बाद गाड़ी दिक्कत नहीं दे रहा ना आपको? सब ओके है ना? तो गाइस देखो भाई लड़कियों गाड़ी में आप जब भी घुसोगे ना, तो देखो भाई तीन दिनों जूते पड़े हैं, और ये पता नहीं क्या है उस लास्ट टाइम भी था, और ये देखो टिश्यू पेपर और क्या है पीछे, कपड़े हैं। बाप रे, मतलब पूरी अलमीरा लेके घूमते हो क्या गाड़ी में? This is like my mini wardrobe. मतलब कभी भी आपको कहीं जाना पड़ेगा भाई, फोन आ गया कि भाई साक्षी आज पार्टी में चलने का है, तो I should be ready. गाड़ी में ही? No, I should be having things, साथ में होनी चाहिए, फिर रेडी मैं कहीं वॉशरूम में। वॉशरूम में गए तो सही है भाई, या किसी फ्रेंड के घर? हमारा पता वैसे तो मैं अपने घर ही जाके रेडी होती हूँ, बट इन केस दिस इज जस्ट लाइक इमरजेंसी। नहीं नहीं शूट भी आ जाता है, कभी-कभी शूट आ जाता है। हमारा लॉरेंडो का ऐसा है कि भाई जैसे मान लो मैं घर से निकला हूँ ठीक है बर्थडे में, अब शाम को फोन आया शादी में, तो सेम कपड़ा पहन के जाने का है, मैं मुंह भी नहीं धोता, जरूरत क्या है भाई? अब आपको जाना होगा तो आप पहले तो भाई पूरा ड्रेस कोड डिसाइड होगा, यार वेस्टर्न पहनूं या फिर वो, उसके बाद भाई अलग तरह के फाउंडेशन होंगे, क्या क्या लगाते हो भाई? मेकअप का मुझे इतना वो नहीं है। हाँ आप वैसे खूबसूरत हो, भगवान ने आपको वैसे ही मेकअप लेके भेजा है भाई, हम आपके बगल में बैठ पा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है गाइस। मैं आज तक नहीं बैठा भाई इतनी लड़की के बगल में, लिटरली बता रहा हूँ, मैं अभी भी शिवर कर रहा हूँ। अरे बाप रे प्लीज, आपने मुझे इसका फोन क्यों नहीं किया भाई, आप बिजी हो गए थे कहीं? हाँ थोड़ा सा। गाड़ी दिक्कत तो नहीं दे रहा आपका? बिल्कुल सही हो गया ना आप? ठीक है, मैंने अच्छा मैंने सजेस्ट कर दिया था उनसे गाड़ी बनवा ली होगी। बाकी आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे? पहले तो आप यहाँ है, आप यहाँ है? यस यो ब्रो, मैंने बोला था आप यहाँ है ना? नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या है? भाई मतलब साक्षी जी की हाँ है तो मैं हाँ समझू? हाँ नहीं है तो फिर ना भी नहीं है? ना भी नहीं है ना? नहीं तो भाई हाँ भी नहीं तो ना भी नहीं है, तो एक चीज बोल दो ना मुझे, मतलब कुछ बात करनी है भाई। ये बंदे पूछ रहे हैं भाई कि भाई क्या हुआ आपने आगे का पार्ट डाला नहीं, तो भाई मुझे भी नहीं पता था, आज मुझे इन्होंने बुलाया, तो लेट्स सी आज क्या इनका डिसीजन है वही बताएंगी। वैसे जहाँ तक है तो भाई हाँ ही भाई, इतने फॉलोवर्स बढ़वा दिए आपके, अपनी हेल्प कर दी आपकी, आपने रोज भी एक्सेप्ट कर लिया, आपने मतलब
क्या बोलूं भाई, अब मैं मेरी नींद उड़ चुकी है रातों की, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ आपके चक्कर में। आप खा रही हो, आप तो खा ही रही हो, मैं तो नहीं खा पा रहा हूँ ना भाई। मैं आपकी स्टोरी देख रहा हूँ डेली, आप फटाफट दबा रही हो भाई, हम तो नहीं खा पा रहे, हम तो आशिक है ना। तो फिर क्या डिसीजन है आपका, जो भी है बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि लाइक देखो, आप घबराओ नहीं, जो है आप बोल दो। गाइस देखो, ये लड़कियां ऐसी करती हैं भाई, अगर नहीं है तो नहीं नहीं बोलना चाहिए ना यार भाई, थोड़ा हाँ बोलना चाहिए ना कभी कभार। ना क्यों बोलोगे भाई, क्या कमी है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, गाड़ी नहीं मेरे पास, ले लूंगा मैं अभी 2 महीने में। भाई बड़ाबट यूज दो भाई, बड़ाबट तो एक गाड़ी उठाएंगे अपन। कौन सी गाड़ी चाहिए आपको, MG, फॉर्च्यूनर, क्रेटा वगैरह? कमी तो कुछ भी नहीं है। नहीं फिर आपको लगे की भाई मेरे पास गाड़ी है, बॉयफ्रेंड गाड़ी नहीं है, बाइक से घूमता है, तो बाइक भी 3 लाख की है ना भाई, तो अरे यार कैसी बात है। वैसे भी इन सब चीजों से नहीं है, करती मतलब प्यार होना चाहिए ना, मतलब करते हो मुझे प्यार, लव आप नहीं करते हो क्या? देखो ऐसा है कि यू आर वेरी स्वीट बॉय एंड यू आर वेरी क्यूट। दो मिनट, स्वीट और क्यूट तो बच्चे होते हैं, बच्चा समझ रहे हो आप मेरे को? भाई आपसे एज देखो 2 साल ही छोटी है मेरी, आप 23 के हो ना, 21 का मैं परसों ही हुआ हूँ, 2 साल छोटी, इतना फर्क चलता है भाई इंडियन कल्चर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बस 3-4 साल में शादी कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस हाँ भरो। तो गाइस बताओ भाई, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए भाई, इतनी सी जोड़ी है। एक बंदे ने कमेंट भी किया भाई, क्या ही जोड़ी है, मतलब वो वाली। तो भाई देखो, जब दुनिया को दिक्कत नहीं है, दुनिया ने हमको एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको करने में क्या बुराई है? मतलब कोई और आप किसी पे क्रश है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं, क्रश होता रहे आपका, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्रश तो क्रश ही रहता है। जस्टिन बीबर शायद इनका क्रश होगा, अब थोड़ी ना उससे मिल सकती है शादी, जस्टिन बीबर आपका क्रश होगा? नहीं नहीं, आई लाइक इंडियन बॉयज। तो कोई लड़की मिली हो जिसको कोरियन और वो लड़के छोड़ के इंडियन? आई डोंट लाइक कोरियन इन दिस गोरे लड़के, मतलब लाइक अ बॉय हॉलीवुड, आई डोंट है ना भाई, इंडियन इंडियन होते हैं, आई लाइक इंडियन पीपल। तो इंडिया में कौन, सलमान खान? नहीं नहीं, वो तो ओल्ड हो गए, मतलब नहीं, वो नहीं नहीं ओल्ड वाली, मतलब फिर भी शाहरुख इज माय ऑल टाइम फेवरेट, बट वो तो बहुत लेट भाई। शाहरुख मेहता है क्या? मैं हर लड़की मतलब मरती हूँ उनकी, लड़कियां मेरे यार वो मरने के लिए लायक है, मतलब ऐसा क्या है उनमें, ना बॉडी है, वही तो बात है कि कुछ ना होते भी सब कुछ होना, इसलिए यू नो एफर्टलेसली एवरीथिंग। तो गाइस कमेंट में बताना क्या है, मुझे तो नहीं लगता उनमें कुछ, बाकी फैन उनका मैं भी हूं, नहीं होता ना उसमें, एक अलग ही बात होती है, और उसमें वो वाली बात है। तो भाई वो वाली बात मुझ में है कि नहीं, ये तो बताओ। ताली मारो कुछ टाइम। तो भाई अभी फ्लड ही करना पड़ रहा है, अभी को पक्का नहीं है ना भाई, हाँ या ना है। आप पक्का कर दोगी तो फ्लड को मैं रियल में कर सकता हूँ भाई। अब तो बताइए आप क्या, मतलब तो ऐसा है, प्लीज ना मत बोलना, प्लीज मेरी बहुत उम्मीद है आपसे, प्लीज मैं पता है घर में पूजा करके आया हूँ, मैं भगवान को पूछता नहीं हूँ भाई, मैंने आज पूजा करी है, ठीक है, मैंने ब्लॉग में नहीं दिखा, अंधेरा बहुत था भाई लोग, तो बिल्कुल ना नहीं होना चाहिए भाई, तुम लोग को नहीं जोड़ूंगा मैं। तो जी साक्षी जी बोलिए। तो ऐसा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये चलो भाई, चलो अपन चलते पब में, सैटरडे नाइट बनाते हैं, बढ़िया बेहतरीन फर्स्ट डेट अपनी हो जाएगी भाई। हाँ है, आपने हूँ बोला, आपने हूँ बोला भाई, देख लो पलटना नहीं है कैमरा, इसलिए मैं ब्लॉग चालू कर रहा हूँ भाई, देखो आपके सामने होना चाहिए, पलटना नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि तुम, ये लड़का तो बहुत हाई राइज, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, इसको कोई क्या ही मना करेगा लाइक, बट एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो इस वजह से बस थोड़ा सा यू नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो चलो बताओ आप क्या चाहते हो, बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दिल टूटेगा फूटेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कबीर सिंह बनेंगे ना, ठीक है ना भाई, करेंगे। तो ऐसा एक्चुअली क्या है कि द थिंग इज द एक्स, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट द थिंग इज के आई हैव अ बॉयफ्रेंड। क्या? आई हैव अ बॉयफ्रेंड। वफा ने बेवफाई, बेवफाई, बेवफाई की है। यू हैव अ बॉयफ्रेंड ऑलरेडी? तो उस दिन आपने रोज क्यों लिया? उस दिन मैंने बोला मे बी नॉट। अरे बट भाई मे बी क्या होता है, या तो हाँ या तो ना। नहीं यार साक्षी, नहीं मैंने हाँ कब बोला, मैंने बस रोज लिया था और मे बी बोला था, याद करो तुम, मैंने रोज, वो तो पूरा सब लोग ने देखा, तुम लोग ने भी देखा ना भाई, अपने मैंने हाँ बोला, मैंने हाँ नहीं बोला, मैंने मे बी बोला, रोज लिया। तो एक्चुअली क्या है कि नहीं तो आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं मेरा, मैं इतने दिनों से भाई, नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है, तब पर तब मेरी उससे लड़ाई हो रखी थी, तो इस वजह से मैंने गुस्से में। वाह वाह, आपकी बॉयफ्रेंड से लड़ाई थी तो तुम्हारी भी थी,
तभी तुमने मुझे रोज दिया ना। नहीं नहीं, मैं तो आपको सच्ची में दिया था। नहीं नहीं, तुम भी लड़कर आए थे और तुमने हमारी भी गर्लफ्रेंड है ना। नहीं 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 है, बट मेरे से पंगा हो गया था अभी। तो सेम यार, मेरा भी पंगा हो गया था यार। तो अभी सब खत्म है? नहीं खत्म नहीं है, खत्म नहीं है। खत्म क्यों होगा, मतलब हम फ्रेंड्स जैसे रहेंगे ना। हम फ्रेंड्स हैं और हम फ्रेंड्स। भाई मैंने क्या सोचा, मैं इनको राइड पे लेके जाऊंगा, लद्दाख मार के आऊंगा। लद्दाख मेरा पेंडिंग रह गया था, आप लोग डिमांड कर लद्दाख लेके जाऊंगा, मैं ऑर्डर करूंगा। बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो आपने उस दिन रोज को लिया, आप उस दिन मेरे को मना कर देते ना रोज लेके, तो मैं भाई ठीक है, मैं उम्मीद ही खत्म हो जाती। आपने बोला मे बी, तो यार मे बी मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं नहीं, बट फिर मैं जब घर गई और मैंने सोचा कि यार मेरा यू नो दोस्ती हो जाएगा एंड कुछ भी, सच में मेरी दोस्ती हो गई और मेरे बॉयफ्रेंड का फोन आ गया। और फिर तो आपने जेलस करने के लिए उनको ऐसा किया? नहीं, मैंने जेलस करने के लिए नहीं किया। तुम तो मुझे रैंडमली मिले थे ना, अगर जेलस करने के लिए करती तो मैं प्लान कर तो मुझे रैंडमली मिले थे। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो अभी ना समझू। अभी तो हाँ ना समझो, अभी तो नहीं, प्लीज लटकाओ मत अभी, मतलब आगे फिर मैं लटका नहीं रही हूँ। हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और बट हम फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे। फ्रेंड्स हैं हम? ऑब्वियसली। पक्का? या भाई मुझे लगा अभी मुझे ब्लॉक कर देंगी और वीडियो मुझसे हटवा देंगी और मेरे को भूल जाएंगी, क्योंकि आपको बॉयफ्रेंड ऐसा बोलेगा कि वीडियो हटवा करके। पक्का? उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया देखो अब क्लियर हो गया सब, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको भी, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी, बट आपने कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले दे तो यू आर द वन। मेरे को उनकी शादी नहीं है, दीदी बोल के बताएंगे। बोलो क्या? अब मैं आपको दीदी ही बोलूंगा। बस बात खत्म भाई, कुछ दो साल वैसे ही बनी है, कुछ होना है नहीं, तो दीदी बोलूंगा। दीदी हो आप, साक्षी दी। और भाई लोग सुनो, तुम लोग भी ना कोई गर्लफ्रेंड नहीं बोलोगे इनको, ठीक है? अब मेरी फ्रेंड बन चुकी है ये। हाँ हाँ, पब वगैरह जाओगे, मुझे बुलाओगे पार्टी में? साथ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो और बाकी अब अपन फ्रेंड्स है, पक्के वाले फॉरएवर वाले फ्रेंड्स है। पहले वो ऐसा करते हैं, ऐसे वाला फॉरएवर वाली फ्रेंडशिप, ये हमेशा वाली है फिर ऐसे। तो बाबा सी यू, मिलते हैं। इतना प्यारा हाथ, थोड़ा भाई इतने प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथ पहली बार टच कर रहा हूँ मैं, छोड़ने का मन नहीं कर रहा मैं तो उसको। लंबा ले ये हाथ जन्मों तक जाता, बट ठीक है, उनको छोड़ना है। जन्म में पक्का 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 बुकिंग डन है, ठीक है? तो इधर आप लॉजिक लॉजिक देखो, अगले इनको जन्म तो होगा भी कि नहीं पता है, हम कुत्ते जाना कुछ भी बनेंगे। तो एक काम करते हैं, ऐसी पूजा करवाते हैं अपन दोनों मिलके कि अगले जन्म में हम एक दूसरे को ही मिले और हम लोग ऐसा शादी भी हो जाए। हाँ। चलो फिर ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं, वेट करें अगले जन्म तक, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, सी यू, लव यू, मतलब आई लाइक यू, बाय बाय। हाँ मे भी मत बोलना, चलो ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा, मतलब आप कैसे मुझे मिले और अपनी फ्रेंडशिप हो गई। तो बट मुझे गाइस बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा बंदा है, लाइक हम तो फ्रेंड्स बन गए, बट एनी गर्ल कैन फॉल इन लव विद हिम, ही इज अ जेंटलमैन। तो लड़कियां अभी थप थपाओ, नहीं नहीं गर्लफ्रेंड है निकिता वो, अच्छा अभी गर्लफ्रेंड है निकिता, बट अगर इन केस ये सिंगल होता है तो यार जैम है ये, मतलब जैम ब्रेड में लाके खाने वाला। He's a jam, he's a jam person. भाई हीरा, you know? Yeah, jam like that. Yeah, हीरा है ना? तो सिंगल लड़की मैसेज करें। बिल्कुल। और सिंगल लड़के इनको करें। नहीं, 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 कल इनका बॉयफ्रेंड है, परेशान मत करना। और बाकी इनको फॉलो करने का फिर से नाम दे रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड तो फॉलो नहीं करेंगे, फ्रेंड तो है ना हमारी। तो गाइस ठीक है, चलते हैं, अब वो जाली गई वो भी। और गाइस चॉकलेट देना तो मैं भूल गया, अरे रुको 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 रुको, मैं आपके लिए कुछ लाया था। क्या? दिखाऊं? हाँ, ले लोगी पक्का? हाँ। थोड़ा गाड़ी आगे पीछे ले लो, शायद कुछ जाना है। आगे आगे लगा लो, आगे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस चॉकलेट देना भूल ही गए थे हम, अब निकल जाएगा वो। दू पक्का? दे दू? हाँ, दो ना, क्या लाया? पक्का? हाँ। ले लोगे फिर उम्मीदें बढ़ जाएंगी। अच्छी लगेगी आपको? पक्का? अच्छी लगती है ना? खाओगी अकेले? अभी अभी नहीं खाओगी, मुझे नहीं खिलाओगी? भाई लड़की तो चालू होती है, चॉकलेट ले लिया, वो बोल रही है घर आके खाऊंगी, ठीक है घर जाके खा लेना ठंडी करके। चलो बाबा, ठीक है यहीं से रिवर्स लेके निकल जाओ, मैं बाइक से चला जाऊंगा। चलो बाबा,